भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे बीजेपी के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और जितेंद्र सिंह शेखावत जी और बहुत जितने हमारे मंच में बैठे हैं और हमारे मीडिया कर्मचारी, हमारे भाई बहन बच्चे सभी का मैं बहुत ही अभिनंदन करता हूं। और जिसका जो हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल रात को बताया था कि भाई आपने यहाँ पर आना है, तो मैं अपने आप को बहुत एक भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे को आपसे लोगों से मिलने का मौका मिला है। और जो ये देश के लिए जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो काम करा है, हम लोग, आप लोग, सभी लोग बहुत ही एक भाग्यशाली है जो जिनको ऐसे अच्छा एक नेता मिला है हमारे को, जिन्होंने ग्राउंड लेवल पर काम करा है और जमीन से जुड़े रहते हैं, गरीब की और पिछले लोगों की सपोर्ट करते हैं। और जो खास करके इन्होंने जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो एक जो मेडिकल के लिए काम करा है, जो एक मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाए है यहाँ पर, पूरे भारत पे, पूरे देश पे उसकी चर्चा है। सो आज यहाँ पर बहुत ही सारे लोग, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलने का मौका मिला है। और मैं चाहूंगा कि हम लोग, आप लोग, सब लोग भारी वोटों से डॉक्टर जितेंद्र सिंह को जिताइए इस बार भी, क्योंकि मतलब एक बीजेपी का नारा एक ही है कि भाई इस बार जो 400 पार सीटें लड़ी है। और जो मैं लोगों का यहाँ का जो प्यार देख रहा हूँ, अभी तो इलेक्शन अभी शुरू ही नहीं हुए, इतना एक आप लोगों ने जो प्यार दिखाया, इतना एक भीड़ उभरी है जो मेरे को लगता है कि कहीं मतलब 500 पार नहीं हो जाए इस हिसाब से। तो हमारी जो भारत की, हमारे प्रधानमंत्री जी की जो एक नीति है, वो उनका एक ही नारा है कि भी गरीब और नारी, किसान, उनके लिए काम करिए और सब लोगों की ड्यूटी लगाइए। आज की डेट पे अगर कोई भी मंत्री बन जाए, कोई प्रधानमंत्री बन जाए, किसी के लिए कोई टाइम नहीं है। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी है जो दिन रात देश के लिए काम करते हैं, और हम सब लोगों को प्राउड होना चाहिए जो एक हमारा भारत एक थर्ड कंट्री पे काउंट होता था, बोलते थे भारत है, हिंदुस्तान है, बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है, लेकिन अब वो चेंज हो चुका है, अब वो भारत चेंज हो चुका है। अगर सलाह भी लेनी हो कोई इंटरनेशनल पे, तो भारत के जो बाहर के जो लोग हैं, बाहर के जो राष्ट्रपति है, वो भी सलाह हमारे प्रधानमंत्री से लेते हैं। और अगर बोलिए कि जैसे पहचानते थे, अब सब लोग हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी है उनके पेश होते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि भाई जो आपने 10 साल में किया है हिंदुस्तान में, वो जो हम देख रहे हैं 70 साल में नहीं कर पाए थे ये लोग, कोई भी, चाहे मतलब भारत है, चाहे बाहर है, कोई भी है। तो जितना हमारा देश एक स्पीड से एक तरक्की कर रहा है, उसके लिए
सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि भाई इस बार हमने सभी का ये फर्ज बनता है 400 पार करनी है। मैं भी पंजाब से इसीलिए आया हूँ कि जो एक जो माननीय हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी उनका काम करने का तरीका, उनकी जो एक एनर्जी थी भाई, उसके लिए मैं भी लोगों से रिक्वेस्ट करूँ कि सब लोगों ने जो 18 साल के इस बार हुए हैं उनको भी आप लोगों ने एक मोटिवेट करने हैं कि भाई किसने देश के लिए अच्छा काम करा है। और जो बुजुर्ग है जिनको पता नहीं लगता उनको भी मोटिवेट करना है कि भी जो अपना एक वोट है सही जगह डालना है वो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। आप लोगों ने स्वतंत्र आपने देखा है वोट डाल डाल के अपना जो अपना ये जम्मू कश्मीर है और पीछे को चला गया था। आज की डेट पे जम्मू कश्मीर का जो आम जनता है और उनको जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्कूल कॉलेज खुलाए मेडिकल खुलाए जिसकी जरूरत है, पहले तो एक उनको एक सैंपल भाषा उनको बताते कि भाई आप बस आप मजद के लिए काम करो और आप बंदूक पकड़ो और पत्थर पकड़ो। आज की डेट पे अगर देखिए जितने भी बच्चे हैं सब लोगों के पास लैपटॉप और कंप्यूटर है और स्कूल जाते हैं कॉलेज जा रहे हैं और अपना मतलब एक जो जीवन है अच्छा एक व्यक्त कर रहे हैं। पहले क्या होता था शाम सुबह जाता था बच्चा ये नहीं पता लगता था शाम को वापस आएगा या पुलिस के कस्टडी में होएगा।